आज हम बात करेंगे राजनीति के उन सुरमाओं की जिनसे देश की सियासत चलती है, जिनके फैसले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की 135 करोड़ की आबादी पर सीधा असर डालते हैं। नमस्कार, मैं श्रवण शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज एंड व्यूज पर पॉलिटिकल शो राजनेता का पहला एपिसोड, जहां हम बात करेंगे आज रीता बहुगुणा जोशी की। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और उनमें से एक सीट की चर्चा बेहद ज्यादा है। सीट है प्रयागराज की और कैंडिडेट हैं रीता बहुगुणा जोशी। भाजपा ने पर्यटन मंत्री डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी को प्रयागराज लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। यह खबर गुप्त सूत्रों से पिछले कुछ दिनों से सत्ता के गलियारों से आ रही थी, लेकिन इस घोषणा को भाजपा ने दो सप्ताह से चले आ रहे सस्पेंस पर मंगलवार को पूर्ण विराम लगा दिया। आइए जानते हैं रीता बहुगुणा जोशी के जीवन का राजनीतिक सफर। रीता बहुगुणा जोशी को राजनीति विरासत में मिली। इनके पिता हेमवती नंदन बहुगुणा खुद तीन बार प्रयागराज से सांसद रह चुके हैं। हालांकि 1984 के चुनाव में अमिताभ बच्चन के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा था। वे पहली बार वर्ष 1971 में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुने गए। रीता की मां कमला बहुगुणा ने 1977 के चुनाव में फूलपुर सीट से जीत हासिल की थी। इसके अलावा हम आपको बता दें कि रीता बहुगुणा जोशी के भाई विजय बहुगुणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इतिहास में पढ़ाई की, वहीं से एमए किया और पीएचडी करने के बाद मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास विभाग में वह प्रोफेसर बन गए। इसके बाद रीता 2003 से अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और 2007 से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रही। 2012 के विधानसभा चुनाव में लखनऊ छावनी से विधायक चुनी गई और 2017 में भाजपा के टिकट पर लखनऊ छावनी से ही फिर से जीती और कैबिनेट मंत्री बनाई गई। 21 अक्टूबर 2016 को भाजपा में शामिल होने से पहले 24 साल तक रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस में रही और कई अहम पदों पर आसीन रही। 1991 और 92 में यूपी में बेहद सक्रिय होकर स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण के लिए रीता बहुगुणा जोशी ने आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसके बाद 1995 से 2000 के बीच इलाहाबाद के मेयर पद पर वो कार्यरत रही। उन्हें दक्षिण एशिया में सर्वाधिक प्रतिष्ठित महिला होने का संयुक्त राष्ट्र एक्सीलेंस पुरस्कार भी मिल चुका है। जून 2001 में थाईलैंड में संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिण एशिया में सबसे प्रतिष्ठित महिला मेयर के रूप में उन्हें सम्मानित किया था। यूपी सरकार की कैबिनेट मंत्री रीता जोशी को भाजपा ने इलाहाबाद से अपना प्रत्याशी बनाया है और इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें मौजूदा सवर्ण वोट बैंक प्रमुखता पर रहा है, जबकि इस सीट पर रीता जोशी के पिता भूतपूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की कभी धाक रही थी और लोग उन्हें विकास पुरुष के नाम से जानते थे। यही वजह है कि उनकी विरासत को संभालने के लिए भाजपा को रीता जोशी से बेहतर विकल्प सामने नजर नहीं आया, जबकि अपनी लोकप्रियता, कुंभ आयोजन की सफलता में नाम, स्थानीय विरोध न होना व हर तबके से वोट निकालने की क्षमता ने ही रीता जोशी को दर्जनों दिग्गज पर वरीयता दी और अब वह लोकसभा चुनाव में प्रयागराज सीट से कमल खिलाने को तैयार हैं।